तैयार है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसको जाने के लिए बस देखते रहिए। यस, कुछ बढ़िया सा खाना पड़ेगा क्योंकि यही मौका है कुछ अच्छा वेज खाने का। टिकट पे मेरे डेस्टिनेशन देखी, कहते ओ तभी एनर्जी आई है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है यार। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। भाई टाइम हो चला है 6 AM, पूरे तैयार हो चुके हैं, सामान तैयार है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसको जाने के लिए बस देखते रहिए। शुरू करते, कैब आने वाली है। एक कैब वाला गोली दे चुका है, दूसरा कैब वाला भैया कह रहे कि आ रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो चलते हैं। रात से जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था, मतलब 3:30-4 बज गए और 5 बजे मैं सोचा कि उठ जाता हूँ ताकि आराम आराम से तैयार हो सकूँ। 1 घंटा सोया हूँ बस, अभी 50 मिनट दूर है एयरपोर्ट। सोच रहा हूँ लेकिन नींद आ जाए ऐसा हो सकता है, नहीं ना? वही भाई, मौसम तो गजब का हो रहा है। नहीं, रात को ऐसा कड़का रात को क्या, सुबह भाई सब हालत खराब हो गई थी यार। अच्छा खासा मतलब 10-12 सेकंड, ओ माय गॉड, बहुत भूख लग रही है। सीधा भागूंगा अंदर, बैग ड्रॉप करते ही कुछ ना कुछ खाना है। यो, पहुंच चुके हैं भाई, बोर्डिंग पास ले लिया गया है, बैग ड्रॉप कर दिया गया है, अब जा रहे हैं इमिग्रेशन पे। सिक्योरिटी चेक हो चुकी है, फाइनली एंट्री कर रहे हैं हम ड्यूटी फ्री में। कुछ लाना हो तो बता देना। एनीवे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और चलते हैं। कुछ बढ़िया सा खाना पड़ेगा क्योंकि यही मौका है कुछ अच्छा वेज खाने का। बींग ए वेजिटेरियन मैं जा रहा हूँ वहाँ पर वेज का इशू है, क्योंकि वेजिस को ना वेजिटेरियंस को ढूंढना पड़ता है। ये मैंने सिर्फ सुना है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यार। सोच रहा हूँ साउथ इंडियन खाया जाए, एकदम लाइट भी है और बढ़िया भी लगेगा। व्हाट डू थिंक? सबवे वबे तो या आई डोंट लाइक इट। कर्नाटक कैफे साउंड्स ग्रेट, खाते कुछ या डोसा या इडली। ओए होए 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 होए, जब सिक्योरिटी चेक कर रहा था ना तो मैं काफ़ी एक्टिव होके, हाइपर एक्टिव होके मैं गया। कहता बहुत एक्टिव हो, क्या हो गया, क्या जल्दबाजी है? फिर उसने टिकट पे मेरे डेस्टिनेशन देखी, कहते ओ तभी एनर्जी आई है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है यार यार सॉरी सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। कहते मुझे पता है ये एनर्जी वहाँ पर लैंड होते ही दिखाना। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कितना बदनाम कर रखा है यार। कोई ऐसा बोलता भी है ना कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, गलत है यार। यही छवि सुधारनी है उनको अपने देश की। एनीवे, डोसा आ रहा है, बहुत भूख लग रही है, मसाला डोसा ऑर्डर किया है यार, मज़ा आ जाएगा भाई। ये डोसे का साइज छोटा है बता रहा हूँ मैं, इनको हाफ करके दिया है इन्होंने, गलत बात है। इतना वॉक कर लिया कि गर्मी लग रही थी इसलिए जैकेट उतार दी यार, बट थोड़ी देर में पहनूंगा वरना वाट लग जानी है। भाई 1 घंटे के डिले के बाद फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। बहुत जोरों का प्रेशर आ गया था। खाना खा चुके हैं, जूस पी रहे हैं, अब सोऊंगा थोड़ी देर में। फाइनली लैंड हो गए भाई, बैंकॉक। पिक करूंगा, वेट करूंगा क्योंकि अभी ना फ्री आ रहा, अभी मतलब अभी आप शायद 2 से 3 घंटे बाद वो यहाँ पर लैंड करेगा, फिर निकलते हैं बाहर। अब लगी वेजिटेरियन आदमी, बहुत भूख लग रही है।
मैगी के पैकेट लाना भूल गया हूँ क्योंकि बारिश आती है, ब्लिंकेट डिलीवरी नहीं दे रहा था। एनीवे देखते हैं। भाई इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया गया है। थाईलैंड का तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है सीधा। बस वेटिंग लाइन थी बहुत ज़्यादा यार, कम से कम आधा पौना घंटा वेट किया है। लाइन यूँ घूम के जा रही है। फिर से भूख लग गई और अब वेजिटेरियन आदमी हम क्या करें, देखते हैं कुछ मिलता है अच्छा है तो खाते हैं कुछ। भाई इतनी गर्मी लग रही थी, फाइनली जैकेट उतार दी है, अब और नहीं सहा जाएगा। सिम लेते हैं और बाहर निकलते हैं और वेट करते हैं अभिनव का। और बहुत भूख लग रही, देख रहे हैं कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए कुछ। लेट्स सी। सिम ले ली गई है सो दैट मैं बाहर जा सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ। भाई प्यास इतनी लग रही है क्या बोलूँ यार। और मैं पूछा कि फ्रॉम वेयर आई कैन गेट वाटर बॉटल देयर, समझ नहीं आया उसको, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया शायद यहाँ से मिल जाएगा। भाई 20 बात की कॉफ़ी मिल गई, पानी से बेटर है यार, एनर्जी तो रहेगी यार थोड़ी सी यार।